दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 3 मार्च 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहां पर देखिए पीसीएस को लेकर के है कि पीसीएस के 173 पदों पर होगी भर्ती ऑनलाइन आवेदन आज से। तो पीसीएस 2023 के लिए 3 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके तहत 173 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हालांकि पदों की संख्या बढ़ने के आसार हैं और इसकी प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है। लोक सेवा आयोग शुक्रवार को यानी आज पीसीएस 2023 का विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। अभ्यर्थियों का इसके बेसब्री से इंतजार है। इस बार मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में अहम बदलाव प्रस्तावित है। वैकल्पिक विषयों की अनिवार्यता को हटा करके उत्तर प्रदेश विशेष के 2 प्रश्न पत्र शामिल किए जाने की तैयारी है। यदि कोई अन्य बदलाव होता है तो परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। आयोग के सचिव के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की डेट 3 अप्रैल रहेगी और फाइनल सबमिट करने की डेट 6 अप्रैल निर्धारित की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी पीसीएस के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं विशेष रूप से उनके लिए अपडेट है। और आपको बता दें कि पीसीएस के इस भर्ती में ओटीआर लागू नहीं होगा, लेकिन पीसीएस के जब इसी भर्ती का मेंस एग्जाम के फॉर्म भराए जाएंगे तो वहां पर ओटीआर जो है मान्य किया जाएगा, क्योंकि ओटीआर 1 अप्रैल 2023 से सभी उत्तर प्रदेश की भर्तियों में लागू होगा। तो अगर आपने ओटीआर के लिए अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो जरूर भर देना 31 मार्च के पहले। governmentjobcenter.com पर आपको पीसीएस और ओटीआर दोनों के फॉर्म मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप भर सकते हैं। एक बड़ी अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए अपडेट है कि 4 साल से नहीं आई शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षु सड़कों पर उतरे। बेसिक शिक्षा के लिए अंतिम बार 2018 में 69,000 पदों पर भर्तियां आई थी, उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं आई। अब यहाँ पर डिटेल से अपडेट देखते हैं। लिखा कि प्रसिद्धि विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षु अभ्यर्थी 4 वर्ष से नई भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए प्रयागराज से लखनऊ तक आंदोलन भी किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सरकार छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन करने के लिए कमेटी गठित करी, लेकिन मौन हो गई। रिपोर्ट का अब तक पता नहीं चला। अभ्यर्थी इस रिपोर्ट के आधार पर भर्ती आने के लिए आस लगाए बैठे हैं। यह तब है जब बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में स्वीकार कर चुके हैं कि ग्रामीण और नगर क्षेत्र को मिलाकर के 63,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती नहीं आ रही। सरकार कहना कि छात्र शिक्षक अनुपात हमारा पूरा है और 63,000 पद ये फिर खाली कहां से हैं। जब ये पद खाली है, सरकार ये मान रही कि पद खाली है, तो छात्र शिक्षक अनुपात पूरा कैसे है ये अभ्यर्थी जानने के लिए परेशान है। अगली अपडेट यहाँ पर है पीजी में एडमिशन को लेकर के कि पीजी में दाखिला प्रक्रिया की शुरू हो गई कवायद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक 2023-24 में दाखिले की कवायद शुरू हो गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने परास्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए एजेंसी चयन को टेंडर जारी कर दिया है। एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल में ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो है शुरू हो जाएंगे। कोरोना के चलते प्रभावित सत्र को पटरी पर लाने की तैयारी ताकि जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए CUET की ओर से आवेदन शुरू है और वहीं पीजी में दाखिला करने के लिए विश्वविद्यालय स्वयं इसकी प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रवेश को नियमित करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। 16 मार्च तक टेंडर के लिए आवेदन होंगे, इसके बाद बिड ओपन होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारी के 15 से 20 समय के बीच ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन करा लिया जाए, इसके बाद परिणाम जारी करते हुए जून में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करके जुलाई तक जो है पूरी करके इसमें जो है आगे पढ़ाई शुरू कर दी जाए। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि 67 शिक्षण संस्थानों पर लटकी तलवार, 4,649 ने छोड़ी परीक्षा। सूबे के जिन स्कूलों ने अपने यहां से प्रॉक्सी परीक्षार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरवाए थे उन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। अभी तक प्रदेश में ऐसे 67 विद्यालय सामने निकल के आए हैं जहां से प्रॉक्सी परीक्षार्थियों को हाई स्कूल और इंटर के फॉर्म भरवाए गए थे। इन स्कूलों से कुल 120 नकलचियों के खिलाफ FIR भी हो चुकी है।
बोर्ड ने उन स्कूलों पर अभी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जहां नकल माफिया ने परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने की कोशिश की थी। ऐसे प्रदेश में 67 कॉलेज चिन्हित किए गए हैं जहां से प्रॉक्सी परीक्षार्थियों को फॉर्म भरवाए गए थे। बोर्ड ने डीआईएस के माध्यम से मिली रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की है जिन स्कूलों ने ऐसे परीक्षार्थियों का अपने यहाँ से नामांकन कराया है। उन्होंने मान्यता के निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया, इन स्कूलों ने परीक्षाओं के संचालन में गंभीर अनियमितता बरती है। तो 67 कॉलेज ऐसे प्रदेश भर में जिनकी सूचना मिली है और इन सबके खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आपको बता दें हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा आज से समाप्त हो रही है। आज 31 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और इंटर की परीक्षाएं साइंस एड की कल से समाप्त होंगी। यहाँ पर देखिए पीसीएस को लेकर कुछ अपडेट और हैं कि 5 साल में इस बार सबसे कम हुए पद घोषित। आप लोग जानते हैं इस बार 187 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड में देखा जाए तो सबसे कम पद हैं। हालांकि यहाँ पर इस बार जो है पद बढ़ेंगे भी, हर बार बढ़ते हैं। 2022 की बात कर ले तो 2022 में 250 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था लेकिन बाद में पद बढ़कर के 383 हो गए थे। इस बार देखना है होगा कितने पद होते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 300 के आसपास पद इस बार भी पहुंच सकते हैं। जो अभ्यर्थी नए हैं उनके लिए बता दें कि पीसीएस में आवेदन करने के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप स्नातक पास आउट हैं तो इसमें आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो विशिष्ट योग्यता वाले होते हैं, उनसे मतलब नहीं है। अगर आप सामान्य स्नातक हैं, बीए बीएससी बीकॉम और 40 वर्ष से आपकी एज कम है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती के बारे में अपडेट की 15 मार्च तक लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। सेना की अग्निवीर भर्ती के लिए 15 मार्च तक ही ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। एआरओ अमेठी के अंतर्गत प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी बस्ती और भी बहुत सारे जिले हैं, इनके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं अभ्यर्थी। और इसकी ऑनलाइन परीक्षा अगले मास 17 अप्रैल को करवाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 16 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया चल रही है, 17 अप्रैल लास्ट डेट है। उससे पहले आप लोग जो है 17 अप्रैल नहीं, लास्ट डेट है 15 मार्च, ठीक है। और ये वेबसाइट दी गई है joinindianarmy.nic.in, यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं वन दरोगा भर्ती को लेकर के। तो वन दरोगा भर्ती के लिए जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग है उसका रिजल्ट 1-2 दिन में जारी हो जाएगा, जो सूचनाएं मिल रही हैं, और आपकी परीक्षा जो है अप्रैल में करवाई जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।